दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में। संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि मणिपुर में स्थित है, और मैं आपको बताऊं तो यूनिवर्सिटी दिल्ली से लगभग 2500 किलोमीटर दूर है, और यूनिवर्सिटी जो उसका लोकल एयरपोर्ट पड़ता है वहां से लगभग 1.5 घंटा लगता है यूनिवर्सिटी को पहुँचने में। दोस्तों आप लोगों के बहुत से कमेंट्स थे हम लोगों के पास हमारे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यहाँ यूट्यूब के पिछली वीडियोज़ में कि हम एक वीडियो बनाएं एक संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, क्या कुछ है यूनिवर्सिटी में। और दोस्तों मैं कुछ खास बातें आपको बता दूं जो आपको आज मैं जिक्र करूंगा, और भी बहुत कुछ। जैसे कि यूनिवर्सिटी के जब हम जाते हैं डिटेल्स चेक करने के लिए यूजीसी की साइट पर, तो यूजीसी की साइट पर ज्यादा कुछ इस यूनिवर्सिटी के बारे में मेंशन ही नहीं है। दूसरी बात क्या है, आप जाओगे स्टेटस देखोगे कि कब वहां पर इंस्पेक्शन कमेटी को कब विजिट करना था, कोई विजिट नहीं हुई, कब इन्होंने बुलाया और क्या कुछ स्टेटस है, ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। साथ ही अगर जाते हो कॉन्टैक्ट डिटेल में, आप जाते हो यूजीसी की साइट पर इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो उसमें भी आपको कुछ खास कुछ चीजें नहीं मिलेंगी। ना तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ना ही किससे कंसर्न पर्सन का नाम है, ना कौन सी ओरिजिनल वेबसाइट है। दूसरी बात, इस यूनिवर्सिटी की दो वेबसाइट चलती हैं, दो वेबसाइट, एक है संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी .com, एक है संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी .edu.in। अब हम कौन सी वेबसाइट को असली माने, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि यूजीसी की साइट पर जो इंफॉर्मेशन डली होती है, जो साइट डली है उसको ही हम लोग चेंज करते हैं, उसको हम लोग फॉलो करते हैं, बट यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अब आप जाते हो यूनिवर्सिटी की साइट पर, यूनिवर्सिटी साइट पर जाने के बाद भी ना ही तो यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स के बारे में कोई अप्रूवल लेटर्स वहां मेंशन है, ना ही यूनिवर्सिटी की प्रॉपर तरीके से अप्रूवल्स के बारे में कुछ बताया गया है, ना डिटेल्स हैं सही से कि हम किससे कॉन्टेक्ट करें, कहां कॉन्टेक्ट करें, और भी बहुत कुछ। मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में, आप बने रहे हमारे साथ ताकि मैं बता सकूं सब कुछ इसके बारे में। ज्यादा समय ना गवाते हुए चलो हम शुरू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं आज संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूंगा कि हमारे देश में लगभग 950 यूनिवर्सिटीज हैं, लगभग 50,000 कॉलेजेस हैं। अगर हम बात करते हैं एक डेटा की, जो डेटा बोलता है, जो कि 31 मार्च 2019 में ये डेटा आया था, जिसमें बताता है कि हमारे देश में 2019-31 मार्च तक टोटल 334 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी। उसके बाद और भी कई यूनिवर्सिटीज आ गई, कई यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस का भी अप्रूवल मिल गया और चीजें आगे चलती चली गई। तो दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछता हूं अपनी वीडियो में, क्या हमारे देश को इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जरूरत है? ये कुछ यूनिवर्सिटीज जो कम बजट में यूनिवर्सिटी बन जाती हैं, कैंपस भी अच्छा नहीं होता है, अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती हैं, अच्छे वहां पे स्कॉलर्स नहीं होते, बहुत कुछ चीजें हैं। तो मैं बात कर रहा हूं अभी, ये हम बात करने वाले हैं संगाई यूनिवर्सिटी के बारे में। तो संगाई यूनिवर्सिटी के बारे में शुरू करने से पहले हम जाते हैं सबसे पहले यूजीसी की वेबसाइट पर। दोस्तों आप यूजीसी की वेबसाइट जाते हो जो कि है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में, आप जैसे ही वेबसाइट विजिट करते हो, विजिट करके आप जाइए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में जाने के बाद आप सीधे जाइए, वहां लिखा है मणिपुर, मणिपुर पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो वहां पर सिर्फ दो यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स आपको शो करता है, एक है मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और दूसरा है अपनी संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। आप संगाई यूनिवर्सिटी पे क्लिक करते हैं तो वहां पर दोस्तों तीन कॉलम्स बने हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे उसको, एक में लिखा हुआ है कब ये इंस्पेक्शन को कॉल करते हैं, कब बुलाते हैं, एक है कब इंस्पेक्शन होती है, दूसरा है इंस्पेक्शन की यूजीसी की रिपोर्ट क्या आती है। तीनों को ही ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तीनों में कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलेगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आप क्लिक करते हो यूनिवर्सिटी के नीचे ही रेड कलर से जो मोर डिटेल्स का कॉलम बना हुआ है, आप जैसे ही वहां क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद वहां पर डिटेल्स आनी चाहिए, रजिस्ट्रार की, वीसी की और कॉन्टेक्ट डिटेल्स। वहां पर क्या होता है, बाकी सभी यूनिवर्सिटीज का फोन नंबर भी होता है, मेल आईडी भी होती है, जो कि यूजीसी की वेबसाइट पर, जो कि UGC.ac.in जो यूजीसी की वेबसाइट है, वहां पर सब डिटेल्स मेंशन होती हैं हर यूनिवर्सिटी के बारे में। बट इस यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसी कुछ चीजें डिटेल्स नहीं है, और यही मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप जब मणिपुर गए हैं, साथ में लिखा है राजस्थान, राजस्थान पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, वहां क्लिक करेंगे सब डिटेल्स आपको मिल जाएगी इजीली। दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, यूनिवर्सिटी जब कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो उसके बाद अपने हिंदुस्तान में जो एक्रेडिटेशन देने वाला, जो उसको वैल्यूएट करने की एक बॉडी है, वो है नैक एक्रेडिटेशन। तो नैक एक्रेडिटेशन कराना जरूरी होता है, बट उसका भी एक रूल है कि मिनिमम यूनिवर्सिटी को 5 साल हो गए हों, और कई यूनिवर्सिटीज ये भी बोलती हैं कि यूनिवर्सिटी ने कम से कम 2 अंडर ग्रेजुएट, 2 मतलब कि जो बीए बीकॉम बीएससी जो 3 इयर्स कोर्स होते हैं वो मिनिमम पास करवा दिए हैं और वो बच्चे पास होकर निकल गए हों, उसके बाद ही नैक एक्रेडिटेशन के लिए वो यूनिवर्सिटी लायबल है। बट दोस्तों यूनिवर्सिटी ने, हालांकि खैर अभी तो इतना टाइम इस यूनिवर्सिटी को नहीं हुआ, 2015 में यूनिवर्सिटी आई थी। अब मैं थोड़ी डिटेल आपको देता हूं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, कब यूनिवर्सिटी बनी थी और क्या कुछ यूजीसी का कहना है इसके बारे में।
दोस्तों थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी कैसे अप्रूवल में आई, कब बनी, कब यूजीसी ने इसको अप्रूवल दिया और भी बहुत कुछ, तो थोड़ी डिटेल आपको मैं बता देता हूं। जैसे कि लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी एक्टिंग थ्रू इट्स एकेडमिक काउंसिल शैल बी एंटाइटल्ड टू रन ऑल द कोर्सेज फॉर विच द डिग्री आर नोटिफाइड अंडर द सेक्शन 22 ऑफ यूजीसी एक्ट। मतलब कि यूनिवर्सिटी सभी तरह की जो डिग्री अवार्ड करती है वो अपने सेक्शन 22 में अवार्ड करती है, जो कि यूजीसी का एक एक्ट बना हुआ, जो मैंने आपको पहले बताया था 1956 में यूनिवर्सिटी का एक एक्ट बना था और सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज उसके सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ में अप्रूवल मिलता है। आगे बताता हूं, ऑल डिग्रीज डिप्लोमा सर्टिफिकेट ड्यूली अवार्ड ग्रांटेड बाय द यूनिवर्सिटी शैल ऑटोमेटिकली बी एंटाइटल्ड टू बी द रिकॉग्नाइज्ड फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एज पर HRD। क्योंकि यूनिवर्सिटी को अप्रूवल है इसीलिए यूनिवर्सिटी बोलती है कि सर्टिफिकेट डिप्लोमा और जो भी अपनी ग्रेजुएट मास्टर ग्रेजुएट जो भी को देती हैं ये डिग्रीज वो सारी सारी ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हैं HRD के लिए भी। और दोस्तों संघाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि स्टैब्लिश 2014 में जो इन्होंने अपना एक्ट एक पास किया, संघाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मणिपुर एक्ट 2014, वहां से यूनिवर्सिटी को अपना स्टार्टअप मिल जाता है, यूनिवर्सिटी अपना काम करना शुरू कर देती है, एडमिशन लेना शुरू कर देती है। अब दोस्तों बात थोड़ी सी आती है कि यूनिवर्सिटी के जब हम जाते हैं वेबसाइट पर, दो वेबसाइट मैंने आपको बताई हैं, एक तो संघाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी .com, पहले हम इसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। संघाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो कि मैंने आपको बताई अभी, उसके ऊपर आप जाते हो तो ज्यादातर इतनी कुछ खास डिटेल्स आपको वहां से नहीं मिल पाएंगे, ना आप ढूंढ पाओगे ज्यादा डिटेल्स जो आप लेना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में। बट आप जब जाते हो यूनिवर्सिटी दूसरी वेबसाइट पर जो कि है संघाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी .edu.in, आप वहां जाते हो ज्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको वहां जाके मिल जाएगी। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटी क्लेम करती है कि यूनिवर्सिटी अपने एक्सटर्नल मोड्स पे प्रोग्राम चलाती है, मतलब एक्सटर्नल स्टूडेंट्स को भी एंटरटेन करती है, मतलब कि स्टूडेंट्स को रेगुलर स्टडी करने की जरूरत नहीं है यूनिवर्सिटी कैंपस में, जरूरत नहीं है रेगुलर क्लासेस लगाने की, बट वो कैंडिडेट फिर भी संघाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का ही माना जाएगा। दोस्तों मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियो में बताया था कि जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का जो कि था प्रोफेसर यशपाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में, उसमें क्या था बताया गया था कि कोई भी यूनिवर्सिटी अपना ऑफ कैंपस नहीं बना सकती, कोई भी अपना कॉलेज नहीं बना सकती, कोई भी स्टडी सेंटर रनिंग सेंटर नहीं बना सकती है। तो उस तरह से अब ये स्टूडेंट्स की क्लासेस कहां लग रही हैं, कहां वो स्टडी अपनी ले रहे हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हैं, इन सबका जवाब तो RTI से पता चलेगा जब UGC को लगाएंगे। हालांकि वो RTI हम लोग लगा चुके हैं, उसका रिप्लाई आएगा तो अगली वीडियो में उस रिप्लाई के साथ मैं आपको जरूर बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी एक्सटर्नल मोड को कैसे चला रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर ऐसा कोई लेटर नहीं डाला है, ना अप्रूवल का लेटर डाला है, मतलब यूजीसी से कब अप्रूव्ड हुआ क्या कुछ हुआ कोई ऐसा लेटर देखने को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं मिलता है। अब दोस्तों यूनिवर्सिटी एक कोर्स को और चलाती है जिस कोर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि लिखा फॉर प्री यूनिवर्सिटी कोर्स, ये सर्टिफिकेट आप इसको बोल सकते हो। इस कोर्स का मतलब जहां तक मैं समझा हूं ये वो कोर्स होता है जिसमें कि 10th या 12th के लिए जो हम इक्विवेलेंट एक कोर्स करवा देते हैं, जो कोर्स पहले चलता था EPP के नाम से भी एक कोर्स चला करता था ये, और ऐसा ही एक कोर्स इग्नू भी करवाती है कि जो कैंडिडेट 10th 12th नहीं कर पाए हैं, तो 6 महीने का एक ड्यूरेशन का कोर्स होता है जिसके एग्जाम्स देकर आपको मान लिया जाता है कैंडिडेट इक्विवेलेंट है, कैंडिडेट एलिजिबल है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए। उस तरह का एक कोर्स जरूर हो सकता है। यूनिवर्सिटी अपनी जो एलिजिबिलिटी मांगती है इस कोर्स के लिए, संघाई यूनिवर्सिटी, मैं आपको बता देता हूं उसके लिए क्या क्या कुछ मांगती है। वैसे और यूनिवर्सिटीज तो क्या मांगती है, आपका एज प्रूफ, या आपने 10th किया हो तो उसका सर्टिफिकेट लगा दो, 12th की जरूरत नहीं है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड और फोटो, इसके बेस पर आपका एडमिशन हो जाता है। और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसा कोर्स रन करती है, इस यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया हुआ है जहां पर इन्होंने लिखा हुआ है अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में क्या कुछ इन लोगों को चाहिए। बोलते हैं कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड बाय द नोटरी पब्लिक, मतलब नोटरी करा के कोई भी अटेस्टेशन से एक चलेगा इनके पास एक जो आप दोगे, आधार प्रूफ ड्यूली अटेस्टेड बाय द नोटरी पब्लिक सेल्फ अटेस्टेड वो भी चलेगा जो आप एक वहां पर अपना डॉक्यूमेंट देना चाहते हो एड्रेस प्रूफ के लिए। ID प्रूफ भी एक आपको अटेस्ट करा के देना पड़ेगा, जो आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटिंग ID हो सकता है, आपका लाइसेंस हो सकता है। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप इस कोर्स में फॉर प्री यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट में आप एडमिशन ले सकते हो इस यूनिवर्सिटी में। ये कोर्स भी यूनिवर्सिटी चलाती है, ज्यादातर यूनिवर्सिटी ये कोर्स नहीं चलाती है, बट इस यूनिवर्सिटी के पास है, ये एक अच्छी चीज हो सकती है। जैसे कि मैं बाकी यूनिवर्सिटीज को जब मैं रिव्यू कर रहा होता हूं तो आपको बताता हूं उस यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या अप्रूवल्स है, क्योंकि उन्होंने अपने डिटेल्स को हाईलाइट किया होता है, उन डिटेल्स को हम NCT में, PCI में या और भी बहुत सारी जगह पर हम निकाल सकते हैं। बट यहां पर यूनिवर्सिटी ने ना तो अपनी वेबसाइट पर कुछ डाला है और ना अदर वेबसाइट्स पर कुछ मिलता है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। आप यूनिवर्सिटी की साइट पर अगर जाते हो और वहां पर जाके आप क्लिक करते हो कॉलम को जो कि है FAQ में, मतलब कि फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस में आप चेक क्लिक करते हो, तो वहां पर एक क्वेश्चन का इन्होंने जवाब दिया है, बहुत अच्छा जवाब है, वहां पर अगर आप जाकर इसको देखना चाहें
हैं वो पूछते हैं इज द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्सिटी देती है कि यूनिवर्सिटी, वो बोलते हैं कि सरकार तीन तरह की यूनिवर्सिटियों को चलाती है, एक तो है डीम टू बी यूनिवर्सिटी, एक है स्टेट यूनिवर्सिटी और एक आती है, अब आप बताते हैं ये लोग अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, संघाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो क्या कुछ लिखते हैं मैं बताता हूँ उसके बारे में। ये बोलते हैं संघाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी SIU विल बी एस्टेब्लिश एज पर द स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी अंडर द संघाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक्ट 2014, जो इन्होंने अपना एक्ट बनाया जिसको सबमिट किया, जिसके अकॉर्डिंग सारे ये रूल रेगुलेशन चलाएंगे, एक्ट 2014 नंबर 6 ऑफ 2015 एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 2F, जो 2F में यूनिवर्सिटीज बनती हैं उसकी बात ये लोग कर रहे हैं, ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956। मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक एक्ट है 1956 का, जिसके तहत ही सब यूनिवर्सिटी को बनाया जाता है, एंड एम्पावर्ड टू अवार्ड डिग्री इन टर्म ऑफ सेक्शन 22। सब यूनिवर्सिटी को अधिकार होता है सेक्शन 22 में डिग्रीज को अवार्ड करने का, ऑफ UGC एक्ट 1956। तो यूनिवर्सिटी बोलती है कि इन लोगों को जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इनको ये राइट्स मिले हैं, UGC ने राइट्स दिए हैं यूनिवर्सिटी चलाने के लिए और किस किस सेक्शन में यूनिवर्सिटी चलाई जा सकती है। दोस्तों अब अगर मैं बात करूं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, यही संघाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक क्वेश्चन का और आपको जवाब देती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप जरूर समझे, लिखा हुआ है इस संघाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रेटेड बाय एन एक्रेडिटेशन एजेंसी NAC, क्या NAC से एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है? ये अपने बारे में कुछ बताते हैं। संघाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी विल हैव टू सीक NAC एक्रेडिटेशन, न्यूली एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी बिकम एलिजिबल फॉर द NAC एक्रेडिटेशन ओनली आफ्टर ग्रेजुएटिंग 2 batches, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 2 batches करने के बाद ही यूनिवर्सिटी अपने को या 5 साल होने के बाद अपने आप को NAC में डालती है, वही इन्होंने बताया है अपने इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए। अब एक क्वेश्चन और है, why do you mean by the external students? ये क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है उसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। ये यूनिवर्सिटी बोलती है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 2J जो UGC का एक सेक्शन बता रहे हैं ये लोग, ऑफ द संघाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक्ट 2014, एक्सटर्नल स्टूडेंट मीन्स अ प्राइवेट स्टूडेंट हु इज रजिस्टर्ड एट यूनिवर्सिटी फॉर एन अवार्ड सर्टिफिकेट डिप्लोमा एंड डिग्री प्रोग्राम बट स्टडी इंडिपेंडेंटली आउटसाइड द यूनिवर्सिटी। मतलब उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लिया, रजिस्टर्ड है, बट वो जो स्टडी कर रहा है वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है, बाहर कहीं से भी अपनी एजुकेशन को ले रहा है। दोस्तों देखो यूनिवर्सिटी ने काफी कुछ अपने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं खुद अपनी वेबसाइट पर। यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जब भी आपको जवाब देगी, जब यूनिवर्सिटी खुद में बहुत कॉन्फिडेंट हो उसके पास वो चीजों के आंसर्स हो, मतलब यूनिवर्सिटी के पास उनके अप्रूवल्स जरूर होंगे। UGC की साइट पर डिटेल्स नहीं, हो सकता है कि UGC ने अभी तक इनको इंस्पेक्शन ना किया हो इसलिए वहां डिटेल्स नहीं डाली गई है। बट 2 वेबसाइट क्यों है ये क्वेश्चन है, एक्सटर्नल का जवाब इन्होंने दे दिया है, वेबसाइट पर भी डिटेल बहुत सारी नहीं है, बाकी सब कुछ मैं छोड़ता हूं आपके ऊपर, आप कैसा यूनिवर्सिटी को रैंकिंग देंगे इसको। बट कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आज जो हमने रिव्यू किया इस यूनिवर्सिटी के बारे में, आपने क्या कुछ जाना और क्या कुछ और आप जानना चाहते थे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, हमें कमेंट में बताएं, इंस्टाग्राम पे कमेंट करें, फेसबुक कमेंट करें और यूट्यूब पे हमें बताएं, और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को आप शेयर करें। तो अच्छा लगा हो आज के पूरा ये वीडियो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए आज की इस वीडियो में। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।